हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम फ्रॉम एस सी वर्मा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अनसॉल्वड एक्सरसाइज। सो हियर वी हैव टू मिरर्स, कन्वर्जिंग मिरर एम वन एंड कन्वर्जिंग मिरर एम टू इन दिस क्वेश्चन, एंड द सोर्स इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एम वन, दैट इज फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर, एंड द फोकल लेंथ ऑफ बोथ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कंसिडर ओनली द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिमम ऑफ टू रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली वी हैव टू डू टू reflections there. After two reflections we have to form the image there, and the image is basically formed on the source itself. That is the condition in the question. Find the distance between the mirrors, and in the second question find the location of the image formed by the single reflection from M2. So students, kuch is tarah se apna ye diagram hai yahan par, like this is one of the converging mirror. So that is concave mirror M1, jiska naam M1 hai. And secondly we have another mirror that is known as M2, but this is a diverging mirror M2, this is convex, so that is M2. Both mirrors have focal length 20 centimeter, and there is a source there, and the source is at a distance of 30 centimeter from the M1. This is the question there. सो लाइक यहाँ से सबसे पहले वी कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम वन, दैट दिस इज अवर इंसिडेंट रे, एंड बिकॉज ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, सो एम वन के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं, फोकल लेंथ है, यू है, तो मैं कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ. सो आई कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एम वन, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज वाई. सो इन दिस क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, लाइक दिस इज योर फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे. वी हैव टू कंसिडर द टू रिफ्लेक्शंस देयर, लाइक यहाँ से रे आएगी और टकराएगी इसके साथ, बट इट मे बी लाइक मीट समवेयर एल्स, ये कहीं इसने कहीं और मीट करना था, बट लाइक द मिरर इज इन बिटवीन. सो आफ्टर दिस सेकेंड रिफ्लेक्शन फाइनली द रे ऑल्सो मीट इट एट द सोर्स. सो दैट विल बी द प्रोसेस देयर. वी हैव टू डू द टू रिफ्लेक्शंस, वन इज फ्रॉम द एम वन एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द एम टू. टू रिफ्लेक्शन हमें करवाना है. सो ऑब्वियसली जो हमारा जो मिरर एम टू होगा वो ऑब्वियसली इस फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड रे भेजा है एम वन ने, इसके रास्ते में कहीं होगा. सो यहाँ से टकराने के बाद वो फाइनली आएगी और सोर्स पर मीट कर जाएगी. सो लेट्स सॉल्व फॉर द एम वन फर्स्ट. स्टूडेंट्स, एम वन के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं. सो यूज़ द फॉर्मूला वी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू. सो यू का वैल्यू जो है वो 30 है, बट साइन कन्वेंशन लगेंगे, माइनस 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, कॉन्केव मिरर है, माइनस 20 आ जाएगा. सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से. आई होप इट इज़ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन 20 प्लस वन अपॉन 30. सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम्स इट इज़ लाइक 60, सो इट इज़ माइनस 3 प्लस 2, इट इज़ बेसिकली माइनस 60. यहाँ से सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा. सो वी की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है माइनस 60, मतलब फर्स्ट मिरर ने रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनवाया है वो बेसिकली अपने से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनवाया है. यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है. यहाँ जो है इमेज बनना था, अगर ये एम टू बीच में नहीं आता तो यहाँ इमेज बनना था. लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं पी डैश रख लेता हूँ, या पी रख लेता हूँ, पी डैश मैंने रख लिया है वैसे. सो नाउ स्टूडेंट्स, लाइक इसने रिफ्लेक्शन के बाद पी डैश पे मिलना था हमें. एक तो क्वेश्चन में कहा गया कि सेकंड रिफ्लेक्शन हमें करवानी है, एंड डेफिनेटली रिफ्लेक्शन के बाद इमेज को सोर्स पे बनवाना है, कहीं आ गया पीछे नहीं बनवाना है. सो ऑब्वियसली यही हमारे पास एक चॉइस है. सो लेट सपोज वो जो इमेज बननी थी, या जो इमेज बनी है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर बनी है. सो फ्रेंड्स, फॉर एम टू के लिए ये जो पॉइंट पी डैश है, ये जो इमेज यहाँ बनी है पी डैश पर, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और वो रिफ्लेक्शन के बाद उसे एस पर मीट करवा देगा. सो नाउ वी विल गो फॉर द एम टू मिरर देयर. हम एम टू मिरर के लिए चलेंगे, एम टू मिरर को सॉल्व करेंगे. एम टू मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा एक्स. सो बिकॉज एम टू के लिए दिस पॉइंट पी डैश इज बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सो इसे हम एक्स ले लेंगे. और अगर मैं वी की बात करता हूँ, तो अगर आप इन सभी डिस्टेंसेज को देखते हो, दैट इज 30 प्लस वाई एंड प्लस एक्स, ये टोटली जो है वो 60 के बराबर है. तो यहाँ से हम वाई आसानी से निकाल सकते हैं, इट इज 30 माइनस एक्स. सो नाउ वी विल गो टू द एक्सप्रेशन. सो यहाँ से हम वी ले लेते हैं. वी इज़ बेसिकली माइनस 30 माइनस एक्स, बिकॉज माइनस साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इमेज अल्टीमेटली पीछे बनवानी है, सोर्स पे बनवानी है. तो वी हैव टू फॉलो द साइन कन्वेंशंस. नाउ वी सिंपली यूज द मिरर फॉर्मूला फॉर द एम टू एंड गेट द आंसर्स. सो वन अपॉन वी, वी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 30 माइनस एक्स, एंड यू की वैल्यू है वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन 20, बिकॉज दूसरे वाला मिरर कॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेना है. नाउ स्टूडेंट्स विल सॉल्व दिस. सो इट इज़ लाइक यू नो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन 30 माइनस एक्स इक्वल टू वन अपॉन 20. सो विल टेक द एलसीएम, इट इज़ लाइक 30 माइनस एक्स एंड इट इज़ एक्स, एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30
माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/20, सॉरी इट इज 30 माइनस एक्स माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, एंड वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देयर, सो इट इज 30 माइनस 2x मल्टीप्लाइड विथ 20 एंड इट इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर एंड 30 इंटू 20 इज 600, वो प्लस का रहेगा, ये 30x वहाँ के माइनस का होगा, 40x और 30x मिलके बनेंगे माइनस 70x। नाउ विल सॉल्व द इक्वेशन, माइनस बी 70 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज 4900 माइनस 4a इंटू सी, इट इज बेसिकली 2400 अपॉन 2a, 2a इज वन देयर, सो इट इज 70 प्लस माइनस, सो इट इज 4900 माइनस 2400, इट इज बेसिकली 2500, सो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 50 अपॉन 2, 70 50 120 बाय 2 इज बेसिकली 60 और सेकंड वन 70 माइनस 50 20 अपॉन 2 इज 10, सो वी हैव टू आंसर्स फॉर दिस x। सो लेट्स गो इन द डायग्राम देयर, स्टूडेंट्स x का वैल्यू 60 और 10 आ रहा है, ऑब्वियसली 60 आंसर नहीं होगा बिकॉज अगर x 60 है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 60 है, अगर x ही 60 है तो m2 m1 कॉन्साइड कर जाएंगे, सो वहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं बन पाएगी, दिस केस इज नॉट पॉसिबल देयर, सो x को हमें 10 लेना है, x 10 मिल गया हमें स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली y हम निकाल लेंगे, टोटल 60 है, दिस इज 30, दिस इज y, दिस इज 10, 30 एंड प्लस 10 40, 40 प्लस y शुड बी इक्वल टू 60, सो ऑब्वियसली y इज 20। सो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था, that is basically 30 plus 20, that is 50. So answer for the first question is 50 centimeter. Now let's come to the second question. Second question mein pucha ja raha hai, find the location of the image formed by the single reflection from M2. So single reflection from M2 agar hum consider karte hain, so वैसे तो यार आप देख सकते हो कि like ये x 10 है, so यहाँ image हमें 20 पे मिला है, तो अगर हम single reflection consider करते हैं M2 से, यहाँ object को consider करते हैं, सिंगल रिफ्लेक्शन M2 से कंसीडर करते हैं, तो U 20 होगा और ऑब्वियसली V 10 आ जाएगा, मींस इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, फॉर M2 अगर आपको सिंगल रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है, सो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो M2 से आपको पता चल गया है कि जो सोर्स है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, सो यू विल पुट द एक्सप्रेशन 1/V प्लस 1/U, बट इस केस में U को माइनस 20 लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ जो है वो 20 है, so 1/V is equal to 1/20 plus 1/20, so it is basically 2/20, or we can say V is equal to 10, so 10 is the answer for the second question. Thank you.